अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राजान इस्लाम आल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल की जानिब से शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद व मज़ाफ़ात में गरीब नादार मैयतों के लिए मुफ्त कफन और मुकम्मल सामान और गुस्ल का इंतज़ाम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अरसे दराज से खिदमत जारी है, लेकिन अब हम मौजूदा हालात को देखते हुए इन खिदमात को वसी किया है शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद और मज़ाफ़ात के इलाकों, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमारी खिदमात खाजी पेड़ तक भी पहुँच चुकी है। तो मैं तमाम बरादरान इस्लाम से अपील करता हूँ कि जहाँ कहीं भी आप मुस्तहक गरीब व नादार किसी का इंतकाल हो जाए तो वो आल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल से रुजू हो सकते हैं और यहाँ पर आपको कफन और उसका मुकम्मल सामान और गुस्ल के लिए आदमी फराहम किया जा रहा है बग़ैर किसी खर्च के। और दूसरी अहम बात यह है कि रियासती वक्फ बोर्ड तेलंगाना की जानिब से गरीब और नादार मैयतों के लिए 5,000 रुपये की इमदाद फराहम की जा रही है। तो तमाम बरादरान इस्लाम से ये पुरजोर अपील की जाती है कि वो वक्फ बोर्ड को बरवक्त इतला दें ताकि वो इंस्पेक्टर आपके मकान पर आए और अपने तहकीकात के बाद आपको 5,000 की रकम की इमदाद फराहम हो सके। आप आल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के इन नंबरात पर रब पैदा कर सकते हैं 7028271369। नंबर और एक मरतबा सुनिए 7028271369 और एक नंबर है 9392310014 9392310014 पर आप इतला दें। इंशाअल्लाह ताला आल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल गरीब व नादार मुस्तहक मैयतों के लिए कफन गुस्ल और दीगर जो है ना सामान अल्हम्दुलिल्लाह ये फराहम कर रहा है। ये खिदमत जारी है। तमाम मुसलमानों से ये अपील की जाती है कि जहाँ कहीं भी आपको मुस्तहक अफराद नज़र आए उनको काउंसिल की तरफ जो ना उनको रवाना कीजिए और काउंसिल के इस खिदमत से इस्तेफादा हासिल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आपके सामने अफजल नगर इलाका मलकपेट से हमारे एक भाई आए हुए हैं। क्या नाम है बेटे आपका? किसका इंतकाल हुआ? आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। आपके वालिद साहब क्या काम करते थे? रिक्शा चलाते थे। आप क्या काम करते? ऑटो चलाते। ये 4 महीने 3 महीने से लॉकडाउन और ये हालत में जो है ना, अब ये ऐसे हालात में घर में मौत वाक़ हो जाए तो हर मुसलमान के लिए एक वबाल जान बन जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल अपने खिदमात को पूरे शहर और हैदराबाद सिकंदराबाद वो नवाही इलाकों तक इसको वसीयत दिया है। इसी की एक कड़ी है आज हमारे क्या नाम बोले आपका? शाहिद। मोहम्मद शाहिद साहब, इनके वालिद का इंतकाल हुआ मलकपेट में, अफजल नगर के रहने वाले हैं। उनको काउंसिल की तरफ से मुकम्मल कफन और सामान दिया जा रहा है। और इससे हटकर अभी वक्फ बोर्ड की जो हेल्पलाइन है, मैंने उनसे बात किया और उनसे जो है ना वो टालमा टोल की पॉलिसी अख्तियार कर रहे थे, कह रहे थे कि लावारिस के लिए दिया जाएगा। तो मैं ज़रा सख्ती से बोला कि लावारिस नहीं बल्कि गरीब व नादार का ऐलान हुआ है, तो फौरी तौर पर जो ना इंस्पेक्टर को रवाना किया जाए। तो हेल्पलाइन से मोहम्मद अब्दुल रज़ाक नामी शख्स ने मुझसे बात किया और मेरा फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह मैंने उसको लिखा दिया हूँ। तो अब वो वहाँ पर जाकर मुझको इतला देने का जो ना वादा किए हैं कि इंस्पेक्टर जाएंगा और वहाँ से वक्फ बोर्ड की जो ना रकम इनके हवाले की जाएगी और ये खादरी बाग के कब्रिस्तान में मैयत तदफीन की जा रही है। और अभी जो इतला मिली है कि ज़मीन के लिए 1200 रुपये लिए गए हैं और ख़बर की खुदवाई के लिए 2000 रुपये लिए गए हैं। फिर भी ये गनीमत है कि हमारे शहर में तो 5,000 रुपये खुदवाई के पैसे लिए जा रहे हैं और ये बड़ी जो ना हौसला अफजा बात है कि 1200 रुपये लिए गए हैं, लेकिन वो भी नहीं लेना चाहिए था। मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि ऐसे कब्रिस्तानों पर आप तवज्जो दें और मुस्तहक गरीब व नादारों की मदद करना वक्फ बोर्ड का ये जिम्मेदारी है।
और इनकी जो ना मदद करें दीजिए।